Have you heard about power of free? Free एक बहुत ही underestimated business concept है जिसको बहुत कम लोगों ने यूज किया, लेकिन जिन्होंने यूज किया है उन्होंने इसको बहुत ही हाई स्केल पे, इसे जो भी उनको फायदा मिला है, लाभ मिला है, बहुत ज्यादा मिला है। मैं कुछ सर्टेन आपको एग्जांपल देता हूँ। गूगल अल्टीमेटली हर यूजर के लिए फ्री है, फेसबुक हर यूजर के लिए फ्री है, इंस्टाग्राम हर यूजर के लिए फ्री है। ये तो टेक्नोलॉजी के कुछ एग्जांपल है जिनमें हम ये कह सकते हैं कि लोग सर्च करते हैं या वो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। लेकिन अगर हम फिजिकल प्रोडक्ट की बात करें, जियो ने सिम को फ्री बांटा था शुरू में, बहुत ही लार्ज स्केल पे उसने फ्री में सब कुछ दिया। पतंजलि ने जितना योग सिखाया, जितना भी दिया, जितना भी कंटेंट उन्होंने दिया वो सब फ्री दिया। उसके बाद उन्होंने प्रोडक्ट को लॉन्च किया। वो अलग बात थी कि वो बाद में योग के लिए भी चार्ज करने लगे थे। वो वैसे ही होता है, शुरू में सब फ्री देते हैं, लेकिन उसके बाद पर्टिकुलरली जब आपके पास ऑडियंस आ जाती है, आपके पास कस्टमर बेस आ जाता है, तो उसके बाद आप उससे प्रॉफिट ले सकते हो। तो ये पावर ऑफ फ्री होता है। यूट्यूब पे आप फ्री कंटेंट डालते हो, आप फेसबुक पे फ्री कंटेंट डालते हो, आप फ्री में ब्लॉगिंग करते हो, तो ये सब एक फ्री का कॉन्सेप्ट होता है, पावर ऑफ फ्री को जिसको हम नाम देते हैं। ये आपको देखना है कि आप इसको अपने बिजनेस के लिए कैसे यूज कर सकते हो। जो चीज आपके पास अवेलेबल है आप उसी को यूज कर सकते हैं। जियो के पास पैसा था, उसने फ्री में नेट दिया, फ्री में सिम दिया। आपके पास पैसा नहीं है, हम सोच कर लेते हैं आपके पास इतना पैसा नहीं है जितना जियो ने किया, लेकिन आप अपने बिजनेस में देखिए कि आप क्या फ्री ऑफर कर सकते हैं लोगों को, क्या अपने जो आपका टारगेट ऑडियंस है, जो आपका कस्टमर बेस है, उनको क्या आप फ्री में क्या आप ऑफर कर सकते हो, उसके हिसाब से आप उनको फ्री दीजिए। लगातार आप अगर आप उसको एक या डेढ़ साल, दो साल, जो भी आप जितना भी आप में कैपेसिटी है, आपको बहुत ही मतलब 6 महीने साल में आपको फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा। जो भी आप फ्री दे सकते हो, अपनी सर्विस फ्री दे सकते हो, आप उनको गाइड कर सकते हो, ट्रेनिंग फ्री दे सकते हो, या फिर कुछ भी जो भी अल्टीमेटली आपके पास रिसोर्सेज है जिसका आप फ्री के तौर पर यूज कर सकते हो, उसको अगर हम फ्री देते हैं तो हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा चेंज हमें देखने को मिलता है। वो आपको डिसाइड करना है कि आप क्या अपने कस्टमर को फ्री कर सकते हो। आपको अपने बिजनेस को आज के टाइम में लार्ज स्केल पर ले जाने के लिए पावर ऑफ फ्री को समझना पड़ेगा। अगर आप पावर ऑफ फ्री नहीं समझ सकते, अगर आप दे सकते कुछ बेनिफिट, कुछ एडिशनल बेनिफिट आप अपने कस्टमर को नहीं दे सकते, तो ग्रोथ के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो आपको अपने कस्टमर को फ्री में या अपनी जो टारगेट ऑडियंस को है फ्री में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। कंटेंट दीजिए, नॉलेज दीजिए, कोई गुड्स दीजिए, जो भी आपके रिसोर्सेज है उसके हिसाब से आप उसको दीजिए, और उसके बाद आप अपने बिजनेस में बहुत ही बेनिफिट महसूस करेंगे। उम्मीद करेंगे ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स।